सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों है महत्वपूर्ण? देखो, एक प्रश्न तो यही बन जाता है भैया, भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है दोस्तों सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान। और मध्य प्रदेश की परीक्षाओं की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मैं यही खत्म कर दूंगा पूरा का पूरा राष्ट्रीय उद्यान वाला टॉपिक, ठीक है दोस्तों। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 12। आप देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो आपको बताया मध्य प्रदेश का सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान था वो कौन सा था? कान्हा। कान्हा किस लिए राष्ट्रीय उद्यान कब बना? 1955 में, 1955 में मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना कान्हा किस लिए। और आपको पता है किस जिले में है ये? किस जिले में है ये? मंडला जिले में है। इस चीज को याद रखिएगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज कि भैया कान्हा किस लिए राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश का सबसे पहला भी है और सबसे बड़ा भी। और अब सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भैया इसका क्षेत्रफल कितना है? कितना है भैया इसका क्षेत्रफल? 940 वर्ग किलोमीटर। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका क्षेत्रफल है 940 वर्ग किलोमीटर। किस जिले में है ये? मंडला जिले में, याद रखना। फिर बात आती है भैया पेच राष्ट्रीय उद्यान। पेच कहां पे है? ये है भैया आपका सिवनी छिंदवाड़ा में, ये है याद रखिएगा। सिवनी छिंदवाड़ा दो जिलों में इसकी सीमा आती है, सिवनी छिंदवाड़ा। इसके बारे में अगर आप फैक्ट्स देखेंगे तो आपको फैक्ट मिलेगा बहुत बढ़िया कि भैया यहां पे मोगली लैंड विकसित किया जा रहा है। क्या विकसित किया रहा है? मोगली लैंड विकसित किया जाता है। आपने गाना सुना होगा बचपन में और अभी भी बहुत सारे लोग तो सुनते भी होंगे, जंगल जंगल बात चलिए पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिलाए। तो ये गाना जो है ये किससे रिलेटेड है? आपके और हमारे मोगली से, है ना। एक नाम बताता हूं, मोगली वास्तविकता में कुछ नहीं था, एक अंग्रेजी लेखक थे जिनका नाम था रूडयार्ड किपलिंग। क्या नाम था? रूडयार्ड किपलिंग। और रूडयार्ड किपलिंग भाई साहब यहां घूमने आए, कौन से राष्ट्रीय उद्यान में घूमने आए? पेश राष्ट्रीय उद्यान में घूमने आए। जब पेश राष्ट्रीय उद्यान में रूडयार्ड किपलिंग घूमने आए तो उनके दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना इस राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर, इस जंगल के ऊपर कोई किताब, पेश का जंगल है, इस जंगल के ऊपर कोई बुक लिखी जाए। उन्होंने किताब लिखी, उस किताब का नाम था द जंगल बुक। क्या नाम था? और द जंगल बुक में उन्होंने लिखा, उन्होंने बताया कि उस किताब की कहानी सुना रहा हूँ। उस किताब में था कि एक मनुष्य का बच्चा गलती से जंगल में रह जाता है, घर वाले चले जाते हैं। वो बच्चा जब जंगल में रह जाता है तो उसको फिर जंगली जानवर पालते हैं और वो बच्चा बड़ा होकर उनकी भाषा सीखता है और वो कहलाता है मोगली। क्या कहलाता है? आई के नहीं कहानी सुन। तो वास्तविकता में मोगली सिर्फ एक कहानी का कैरेक्टर है और उस कहानी का नाम क्या है? द जंगल बुक। और वो किसकी कहानी है? रूडयार्ड किपलिंग की। मजा आया? तोते उड़े दिमाग के, बोले तोते। तो रूडयार्ड किपलिंग ने द जंगल बुक जो कहानी लिखी वो किस राष्ट्रीय उद्यान पे लिखी है? कहाँ पे है पेंच? सिवनी छिंदवाड़ा। आगे ना मजे, चलिए आगे बढ़ रहा हूँ। फिर आ रहा हूँ पन्ना की क्या बात करें। मध्य प्रदेश की हीरा राजधानी अगर कहेंगे, डायमंड सिटी कहेंगे, भारत में अगर एकाधिकार मोनोपोली अगर किसी क्षेत्र में पन्ना को है तो वो काई में है? हीरे के उत्पादन में, याद रखिएगा। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है भैया? पन्ना में ही है, याद रखिएगा। कलर पे चेंज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सूझ पड़ जाए। और अगर सतपुड़ा, सतपुड़ा भैया पर्वत श्रेणियाँ हैं, आपको बताया सतपुड़ा की। और आपको बताया सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये होशंगाबाद में है, याद रखिएगा। होशंगाबाद में हो गया सतपुड़ा, ठीक है। फिर बात करते हैं वन विहार। वन विहार कहाँ है? भोपाल। गए होंगे भोपाल में वन विहार में घूमने? गए हो? गए हो ना, ठीक है, याद रखिए। आगे बढ़ जाते हैं डायनासोर जीवाश्म। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, मतलब जीवाश्म का मतलब क्या होता है? जीवाश्म का होता है क्या? अवशेष, जीवों के अवशेष जो आखिरी में बचते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर हड्डियां, दांत वात, ये चीजें। तो अगर बात करें डायनासोर के अगर जीवाश्म मिलते हैं तो उसके लिए हमने अलग से पार्क बना रखा। और ये कहां पे है डायनासोर जीवाश्म? धार जिले में, मध्य प्रदेश के। कहां पे है? धार। फिर इसके बाद बात करें भैया बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? बांधवगढ़ है उमरिया में। कई सारे फैक्ट इसके बारे में जो एग्जाम्स में आते हैं, फैक्ट्स की अगर बात करें, बांधवगढ़ पहली बात 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है भैया? 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? बांधवगढ़। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है, इस राष्ट्रीय उद्यान में देश में सर्वाधिक बाघ घनत्व है। मतलब सबसे ज्यादा बाघ, एक वर्ग किलोमीटर में सबसे ज्यादा बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो वह बांधवगढ़। तो सर्वाधिक जो बाघ घनत्व है, टाइगर डेंसिटी है, सबसे ज्यादा टाइगर डेंसिटी किस राष्ट्रीय उद्यान में है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। इसको आप याद रखिएगा। फिर बारी आती है भैया संजय नेशनल पार्क। कहां है संजय? कहां पे है ये? सीधी में संजय नेशनल पार्क है, इसको भी याद रखिएगा। माधव नेशनल पार्क, ये कहां पे है? तो ये है भैया शिवपुरी में नेशनल पार्क है। माधव की बात भी आपको पता है, यहां से एनएच 3 निकला था, मतलब ऑगरे बॉम्बे जो रोड है वो यहीं से निकला है। जॉर्ज केसल भवन एक कोठी है पुराने समय पे, जिसमें अंग्रेज शिकार विकार करते थे उस समय पे। तो जॉर्ज केसल भवन भी कहां पे है? माधव राष्ट्रीय उद्यान में। इसके बाद बात करें भैया भारतवर्ष में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग है, हालांकि एक नेपाल में, एक पशुपतिनाथ के नाम से काठमांडू में, मगर 11 हमारे भारत में ही है। तो जो 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 में
से एक ज्योतिर्लिंग कौन सा है? एक है ओमकारेश्वर। और ओमकारेश्वर किस जिले में है भैया? किस जिले में है? खंडमा में बात करें आगे। फिर हमारी आती है भैया फोजिल। फोजिल का मतलब क्या है? सीधा सीधा सा जीवाश्म नेशनल पार्क। फोजिल का मतलब जीवाश्म। ये जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ है भैया? ये दो जिलों में आता है, मंडला डिंडोरी। कंफ्यूज मत होना, किन किन जिलों में आता है भैया? मंडला डिंडोरी, ठीक है, याद रखिए, मंडला डिंडोरी में आता है। देखो वन जो क्षेत्र है ना, वन का क्षेत्र वो जिलों के हिसाब से नहीं चलता, वन का क्षेत्र वन व्रत के हिसाब से चलता है, फॉरेस्ट सर्कल के हिसाब से चलता है। काय के हिसाब से चलता है? फॉरेस्ट सर्कल, वन व्रत के हिसाब से ना। तो ये वन व्रत जो होते हैं ये दो जिलों में भी आ सकते हैं, एक जिले में, एक से ज्यादा जिले में भी आ सकते हैं। आगे ना कहने जाने तो फॉरेस्ट का पूरा पूरा डिपार्टमेंट अलग चलता है, अलग चलता पूरा पूरा। तो ये फोजिल जो नेशनल पार्क है किन जिलों में आ रहा है? मंडला डिंडोरी जिलों में आ रहा है। मतलब डिंडोरी में तो मूल रूप से ये है ही, पर डिंडोरी से कहां तक जा रहा है, ये किसकी सीमा तक जा रहा है? मंडला की सीमा तक जा रहा है, याद रखिएगा। चलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है इसके बारे में कि भाई फोजिल जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। कैसा भैया? छोटा। अब छोटा है तो कितना आपको पता है? बड़ा वाला कितना था? 940 वर्ग किलोमीटर। तो भैया छोटा जो है वो कितना छोटा है? तो ये है भैया कितना? 0.27 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। कितना है मात्र? 270 वर्ग किलोमीटर, 0.27। आगे ना कांसन, ठीक है, 0.27 किलोमीटर स्क्वायर मात्र इतना है। मतलब देख लीजिएगा आप, आधा वर्ग किलोमीटर में भी फैला हुआ नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, सबसे छोटा है फोजिल यानी कि जीवाश्म राष्ट्र उद्यान। आगे बढ़ जाते हैं कूनो। भैया ये जो 12वें नंबर का राष्ट्र उद्यान है ये सबसे नया है। कहाँ पे है ये? पहली बात तो श्योपुर में है, और दूसरी बात यह है कि कूनो जो राष्ट्र उद्यान है ये कब बना है? 2018 में बना है। मध्य प्रदेश का सबसे नवीनतम राष्ट्र उद्यान, और कौन से नंबर पे है ये? 12वें नंबर पे है, याद रखिएगा। तो ये थे 12 मध्य प्रदेश के राष्ट्र उद्यान, याद रखना। अगर मध्य प्रदेश की परीक्षाओं से रिलेटेड आप दे रहे हैं तो डेफिनेटली इनमें से एक प्रश्न आना है।